जय हिंद साथियों। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सीडेंट। रेलवे में अगर एक्सीडेंट हो जाए तो क्या करें, रेलवे किस घटना को एक्सीडेंट मानता है, किस घटना को नहीं मानता है, हम उसका एक करके वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। और अगर आप ELP ट्रेनी हैं तो शायद आपको पता होगा, यहाँ से कम 10 या 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सीडेंट क्या होता है? एक्सीडेंट आपने अक्सर सुना होगा कि घर पर सुना होगा कि एक्सीडेंट हो गया, कि फिर पूछते हैं कि एक्सीडेंट हो गया, किसी की लगी तो नहीं, ऐसा कुछ पूछते हैं कि नहीं लगी नहीं है, या मोटर बाइक पूरी तरह से खराब हो गई है, नष्ट हो गई है। लेकिन रेलवे क्या कहता है? रेलवे कहता है कि ऐसी कोई घटना है जो निम्नलिखित, निम्नलिखित का मतलब जो मैंने लिख रखी है यहाँ पर, कि सुरक्षा को अफेक्ट करे। अब किस चीज़ की सुरक्षा को, यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, सुरक्षा को अफेक्ट करे या फिर कर सकती है। अफेक्ट मतलब प्रभावित, कर सकती है, मे अफेक्ट या फिर अफेक्ट हो गया है, दोनों चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो किस किस चीज़ की, किस चीज़ की किस सुरक्षा देखते हैं? सबसे पहले रेलवे की सुरक्षा और उसके इंजन बहुत महत्वपूर्ण है। इंजन की सुरक्षा, अगर इंजन किसी भी तरह से प्रभावित होता है तो भी दुर्घटना मानी जाएगी, या फिर इंजन प्रभावित हो सकता था तो भी दुर्घटना या फिर एक्सीडेंट माना जाएगा। रोलिंग स्टॉक इसी तरह से, ये अगर प्रभावित है या फिर हो सकता था वो भी दुर्घटना में आएगा। रोलिंग स्टॉक क्या होते हैं? रोल मतलब जो एक प्रकार से घूमना, घूम कौन क्या घूमते हैं, डिब्बा जिसके नीचे चक्का लगा होता है, जिसके पीछे क्या लगा होता है, चक्का, पहिया इसे बोलते हैं। ब्रेकमैन हो सकता है, डिब्बा हो सकता है वो, ठीक है। इस तरह से परमानेंट बे को अफेक्ट करता है या फिर कर सकता है, या फिर बर्क्स। परमानेंट बे में क्या क्या आता है? रेलवे में परमानेंट कहता है, परमानेंट बे बनता है रेल, रेल मतलब पटरियाँ, स्लीपर, स्लीपर जिस पर पटरी रखी जाती हैं, और बैलस्ट, बैलस्ट मतलब गिट्टी, ठीक है, इससे बनता है परमानेंट बे। और बर्क्स में आता है जैसे पुल, सुरंग, जो परमानेंट में नहीं आते, ठीक है, लेकिन है तो रेलवे की। इस तरह से अगर इनको अगर कोई चीज़ अफेक्ट करती है तो वो क्या मानी जाएगी? एक्सीडेंट मानी जाएगी। फिक्स इंस्टॉलेशन, ये क्या चीज़ है? जैसे ये फिक्स होते हैं OHE, ओवर हेड इक्विपमेंट, मतलब सिर के ऊपर ओवर हेड, इस तरह से। तो क्या क्या हो सकते हैं? सिग्नल हो सकते हैं, वायर हो सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। और क्या क्या अफेक्ट हो सकता है? पैसेंजर, सर्वेंट या फिर अदर, कोई पैसेंजर ट्रेन है या कोई सरकारी कर्मचारी है, रेलवे का कर्मचारी, या फिर कोई भी हो सकता है व्यक्ति। लॉस ऑफ रेलवे मतलब रेलवे का नुकसान हुआ है तो भी दुर्घटना है, या फिर हो सकता था तो भी वो क्या है, एक दुर्घटना, या फिर गाड़ी डिले हो रही है या फिर हो सकती थी किसी भी कारण से, तो वो भी एक्सीडेंट माना जाएगा। तो परिभाषा क्या कहती है? रेलवे इंजन, रोलिंग स्टॉक, इस तरह से ये फिक्स इंस्टॉलेशन, पैसेंजर, सर्वेंट, अदर्स, इस तरह से, या रेलवे का नुकसान हो, लॉस हो, या गाड़ी लेट होती है या फिर हो सकती थी, ये सब की सब सुरक्षा को कोई घटना अफेक्ट करे उसे बोलते हैं हम एक्सीडेंट। तो देखिए एक्सीडेंट ये हो गया, सीरियस एक्सीडेंट, सीरियस मतलब गंभीर, ठीक है। तो जिस ट्रेन में यात्री, पैसेंजर, ये आपको ध्यान रखना है, जिस ट्रेन में यात्री हों और उसका एक्सीडेंट एक्सीडेंट हो जाए तो क्या हो सकता है? यात्री हैं, यात्री मर भी सकते हैं और उन्हें गंभीर चोट मतलब ग्रेवियस हर्ट, गंभीर चोट भी आ सकती है। तो इस तरह से आपको क्या देखना है कि सीरियस एक्सीडेंट उसे बोलेंगे जिस ट्रेन में यात्री हों और उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए तो आप कहेंगे। और हाँ ये भी देखना है कि उस ट्रेन में हुआ क्या क्या है, लोगों की जान गई है, लाइफ जीवन खोया उन्होंने, या फिर ऐसी कोई ग्रेवियस हर्ट हुआ है, जैसे कोई कट गया है, पट गया है, उसका कुछ कुछ भी हो गया, जैसे कटना फटना, ये सब हो सकते हैं। तो ये कहाँ आएगा? सीरियस एक्सीडेंट में आ जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि यदि रेलवे प्रॉपर्टी को नुकसान हो जाए, कितना नुकसान हो जाए? 2 करोड़ से अधिक का नुकसान हो जाए तो वो भी सीरियस एक्सीडेंट में आएगा। तीसरा पॉइंट क्या है? ऐसी दुर्घटना जिसमें CRS,
CRS की इंक्वायरी हो रही हो, कमिश्नर ऑफ रेलवे और सेफ्टी, जिसमें किसकी इंक्वायरी हो, CRS की। ये CRS रेलवे का, रेलवे मिनिस्टर के अंतर्गत नहीं आता, ये आता है उड्डयन मंत्रालय, जिसे हम कहते हैं एविएशन मिनिस्टर, ठीक है, मतलब उसके मिनिस्टर के अंतर्गत आता है, ये रेलवे का नहीं होता। तो इसकी अगर इंक्वायरी किसी घटना में हो रही है तो उस घटना को हम सीरियस एक्सीडेंट बोलेंगे। तो आपको तीनों चीज़ याद रखनी है। अब देखते हैं हम एक्सीडेंट का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन करेंगे किस तरह से हो सकता है। तो देखिए, इसको हमने पांच भागों में बांटा है। पहला ट्रेन एक्सीडेंट, ट्रेन से एक्सीडेंट नाम रख दिया ट्रेन एक्सीडेंट, यार्ड एक्सीडेंट, यार्ड कह सकते हैं, स्टेशन कह सकते हैं, इंडिकेटिव एक्सीडेंट, इंडिकेटिव को हिंदी में कहते हैं सूचक, ठीक है, सूचक एक्सीडेंट, और अगला है चौथा इक्विपमेंट फेलियर, इक्विपमेंट उपकरण फेलियर मतलब फेल हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं, वो भी एक दुर्घटना में आएंगे। अनयूजुअल एक्सीडेंट, अनयूजुअल एक्सीडेंट, ठीक है, ये भी क्या है, ये हमने क्लासिफिकेशन किया पांच प्रकार से। तो देखिए, इन पांच प्रकार को अब हम कैसे मानेंगे, ट्रेन एक्सीडेंट में क्या आएगा, इसको बांटने के लिए हमने, इस पांच भागों को बांटने के लिए हम क्लास बना दी ए से आर तक। ए से आर तक मतलब ए कितने पे, एक पे, और आर आती है 18 पे, तो कुल वो कितने हो गए वर्ग, 18 वर्ग, जिसमें से आई वर्ग जो 9वां है, ओ वर्ग जो 15वां, इसको हटा दिया गया है या फिर एक्सेप्शन कह सकते हैं। तो बचे कितने केवल, तो बचे 16, तो हमने 16 को अब इनके हिसाब से बांट दिया है। कैसे बांट दिया है, जैसे कि ट्रेन एक्सीडेंट में आपका आएगा, यार्ड एक्सीडेंट में ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास, ई क्लास, और इंडिकेटिव में आएंगे एफ जी एच, आई हटा दिया है इसमें नहीं आएगा। इक्विपमेंट फेलियर में जे आएगा, के एल एम, तो इसमें से ये हटा दिया आई। अनयूजुअल में एन पी क्यू आर, ये ओ हटा दिया है, ठीक है। ट्रेन क्या होती है, ट्रेन होती है इसका एक नाम हो, एक नंबर हो, और क्या हो, व्हीकल्स, सेट ऑफ व्हीकल्स, ठीक है। चलिए अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम ट्रेन एक्सीडेंट। तो ट्रेन एक्सीडेंट में क्या आता है, ऐसा एक्सीडेंट जिसमें कहीं ना कहीं ट्रेन इन्वॉल्व रहती है, ट्रेन शामिल रहती है। ट्रेन एक्सीडेंट को हमने दो भागों में बांट दिया है, कॉन्सिक्वेंशियल एक्सीडेंट जिसे हिंदी में बोलते हैं परिणामिक, ऐसा एक्सीडेंट जिसमें कुछ ना कुछ परिणाम निकले, चाहे वो किसी की जान जाए या रेल की हानि हो या फिर रेल यातायात बाधित हो, तो वो होता है कॉन्सिक्वेंशियल। मानव हानि हो सकती है, लॉस ऑफ लाइफ हो सकती है, रेल प्रॉपर्टी की हानि हो सकती है, रेल यातायात बाधित हो सकता है, मतलब जिसमें कुछ परिणाम निकले, तो वो आएगा ट्रेन एक्सीडेंट में। इसका दूसरा भाग ये है अदर ट्रेन एक्सीडेंट, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम देखेंगे परिणामिक एक्सीडेंट क्या होता है। तो इसको हमने बांट दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सिक्वेंशियल एक्सीडेंट, तो इसको हमने बांट दिया वर्ग के हिसाब से, ए क्लास, ए वर्ग बोल सकते हैं हिंदी में, ए वर्ग बोल सकते हैं, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास, ई क्लास। तो आपको एक एक नंबर के यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि ए क्लास में किस प्रकार की, किस प्रकार को, किस प्रकार के एक्सीडेंट को रखा गया है। तो एक क्लास में रखा गया है कॉलिजन, जिसे हिंदी में भिड़ंत कह सकते हैं, टक्कर कह सकते हैं। अब ये टक्कर तीन तरह से हो सकती है, आमने सामने हो सकती है, पीछे से हो सकती है, कोई ट्रेन खड़ी है तो ये पीछे से आ सकती है, या फिर साइड से हो सकती है, जैसे कि ये दो पटरी हैं, यहाँ से कोई ट्रेन आ रही है तो यहाँ पर फॉलिंग मार्क लगा होता है, इस फॉलिंग मार्क को अगर क्लियर नहीं किया है तो ये साइड कॉलिशन माना जाएगा। तो ये कैसा एक्सीडेंट माना जाएगा, ए क्लास एक्सीडेंट। बी क्लास में क्या है, फायर, अगर ट्रेन में, चलती ट्रेन में कोई आग लग जाती है तो वो एक्सीडेंट माना जाएगा। किस प्रकार का एक्सीडेंट है, बी क्लास एक्सीडेंट माना जाएगा। सी क्लास एक्सीडेंट में क्या है, लेवल क्रॉसिंग पर, जैसे अगर ये लेवल क्रॉसिंग होता है, गेट होते हैं, फाटक जिसे बोलते हैं, ये कोई ट्रेन जा रही है और बीच में अचानक से कोई बस आ जाती है, वो ख़राब हो जाती है, तो ये क्या होगा, इसे हिट करेगी, तो इसका तो नुकसान हो गया, और नुकसान तो इसका भी हुआ और ट्रेन का भी नुकसान होगा,
तो इस तरह से लेवल क्रॉसिंग पर जो नुकसान होता है, मतलब जो घटना होती है, वो आती है सी क्लास में। डी क्लास में आता है डरेलमेंट। देखो यहाँ से रेलमेंट, डी रेल मतलब रेल का नीचे उतरना, इसका सीधा हिंदी में क्या कह सकते हैं, पटरी से उतरना या फिर गिर जाना। तो ये डी क्लास में आएगा डरेलमेंट। कहीं कहीं देखा होगा अचानक से मिट्टी नीचे चली जाए तो क्या होता है, डरेलमेंट हो जाता है रेल का, ठीक है, इस तरह से। और ई क्लास में आता है मस्किलियस। तो इसमें क्या आएगा, इसमें लेवल क्रॉसिंग को छोड़कर, लेवल क्रॉसिंग मतलब सी क्लास के एक्सीडेंट को छोड़कर क्या क्या हो सकता है, जैसे कि ओडीसी के कारण फिक्स ढांचे का एक्सीडेंट। कैसे, फिक्स ढांचे में क्या क्या आएगा, जैसे आपके ओएचई आएगा, किसी पुल से टकरा जाए, किसी सुरंग से टकरा जाए। अब सुरंग से पुल से ऐसा थोड़ी है अपने मन से टकरा जाएगी वो, तो उसके लिए क्या होता है, एक कारण बनता है ODC, ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट, ठीक है। अगर मौका मिला तो कभी इस पर एक वीडियो बनाएंगे, तो इसके कारण ये इसको हिट कर सकती है, तो वो आएगा इसमें ई क्लास में, ठीक है। अदर ट्रेन एक्सीडेंट, इसका दूसरा भाग है अदर ट्रेन एक्सीडेंट में, तो क्या किया है, BCDE के एक्सीडेंट इसमें शामिल किए गए हैं, ए को छोड़ दिया गया है बस। अगर आप ये ना याद रखो तो केवल इतना याद रखो, ट्रेन एक्सीडेंट में ए वर्ग, बी वर्ग, सी वर्ग, डी वर्ग, ई वर्ग आते हैं, और इसमें क्या क्या हो सकता है, बस इतना याद रख लो। ट्रेन एक्सीडेंट मत बांटो, इसको मत बांटो, कोई बात नहीं, ट्रेन एक्सीडेंट के साथ साथ आपको ये याद रख लो, ये बस काम हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए दूसरा है यार्ड एक्सीडेंट। यार्ड, यार्ड मतलब ऐसी जगह जहाँ पे क्या होता है, ट्रेन की इधर इस लाइन से उस लाइन पे, या फिर एक इंजन को दूसरी गाड़ी में जोड़ना, इसी को क्या बोलते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं हम संटिंग कार्य। क्या बोलते हैं, संटिंग कार्य बोलते हैं। तो क्या होगा, संटिंग के लिए क्या रेल की जरूरत पड़ेगी, नहीं। तो इसलिए ऐसा एक्सीडेंट जिसमें रेल शामिल ना हो, ट्रेन शामिल ना हो, तो क्या बोला गया, इस दौरान मतलब संटिंग के दौरान कोई एक्सीडेंट होता है तो वो क्या कहलाएगा, यार्ड एक्सीडेंट कहलाएगा। इसको हमने बांट दिया है ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास और डी क्लास के एक्सीडेंट में, ठीक है। मतलब ये वाले एक्सीडेंट यही सेम, ठीक है। अब आता है तीसरा, इंडिकेटिव एक्सीडेंट, मतलब सूचक। ये सूचक है केवल, मतलब इसमें ना किसी की डेथ हुई है, ना किसी की गंभीर हालत हुई है, और ना ही किसी की हानि हुई है, मतलब लॉस भी नहीं हुआ किसी का, फिर भी ये एक्सीडेंट माना जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर डेथ नहीं हुई तो हो सकती थी, मतलब ये सूचक है, ये हो सकती थी, और हो जाती तो क्या होता, तो क्या होगा इसमें। तो इस तरह की घटना कहलाती हैं इंडिकेटिव एक्सीडेंट। रियल टाइम में अगर वास्तविकता देखी जाए तो कोई डेथ नहीं हुई, कोई लॉस नहीं हुआ, कोई सीरियस सिचुएशन नहीं हुई, लेकिन हो सकती थी, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको भी बांट दिया है ABCDE। ये के बाद F इसमें आएगा, G इसमें आएगा और H भी इसमें आएगा, ठीक है। तो हम इनको भी देख लेते हैं एक बार। अब देखिए F क्लास में क्या है, तो ये F, G, H ये हैं, मतलब टक्कर हुई नहीं है, एक्सीडेंट हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता था, मतलब टल गया है। तो F क्लास में वही चीज़ आएगी, अवर्टेड कॉलिशन, मतलब एक ऐसी टक्कर जो टल गई, मतलब हो सकती थी, अगर हो जाती तो क्या होता, नुकसान हो जाता। तो ये भी एक घटना का प्रकार है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है पॉइंट बाई पॉइंट, आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। जी क्लास में क्या आएगा, जी क्लास में ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल, मतलब जो रूल होते हैं ब्लॉक सेक्शन में या फिर ब्लॉक स्टेशन के, उनके रूल को तोड़ना, ब्रीच मतलब तोड़ना, इनके मतलब ब्लॉक रूल का उल्लंघन, तोड़ना बिना अथॉरिटी टू प्रोसीड के ब्लॉक सेक्शन में एंट्री। तो क्या है, ये है ब्लॉक रूल का उल्लंघन, तोड़ दिया। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, वो हमने इस यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है। तो पहले क्या होता था, आजकल तो नहीं होता, पहले टोकन व्यवस्था थी, तब क्या होता था, अगर कोई स्टेशन थ्रू पास कर रही है ट्रेन, तब गलत टोकन अगर चला जाए तो भी एक्सीडेंट माना जाएगा, या फिर टोकन नहीं ले पाए वो, ALP या फिर LP टोकन नहीं ले पाए, तो ये भी एक
एक्सीडेंट माना जाएगा और ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी चली जाएगी, ठीक है, इस तरह से। दूसरा क्या है, ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी को रिसीव कर लिया जाए, ये भी एक्सीडेंट है। ये किसकी गलती होती है, ये यहाँ पर स्टेशन मास्टर की गलती होगी, लेकिन ये तो है तो एक्सीडेंट ही, ठीक है। ट्रेन एंटरिंग इनटू रॉन्ग लाइन, गलत लाइन में अगर एंट्री कर ली जाए। ट्रेन एंटरिंग इनटू सैंड हम्प, सैंड हम्प इस तरह से, ये इस तरह से यहाँ पर स्टेशन होता है, ये लाइन गई तो यहाँ पे क्या होता है, मिट्टी का टीला बना देते हैं जिसे हम बोलते हैं सैंड, रेत में, सैंड मतलब रेत, हम मतलब टीला, रेत का टीला बना दिया, उसमें अगर ट्रेन चली जाए तो ये भी एक दुर्घटना मानी जाती है। ट्रेन एंटरिंग इनटू कैच साइडिंग, कैच साइडिंग, ठीक है, साइडिंग पे भी अगर हम चाहें तो एक वीडियो बना सकते हैं, ये भी एक सुरक्षा के लिए होती है, कैच साइडिंग और स्लिप साइडिंग, ठीक है। ये ब्लॉक सेक्शन को बचाती है, ये स्टेशन को बचाती है, बस इतना याद रख लो। अगर इनमें कोई ट्रेन एंट्री कर जाती है गलत तरीके से तो भी एक एक्सीडेंट माना जाएगा। कौन सा एक्सीडेंट माना जाएगा, जी क्लास एक्सीडेंट माना जाएगा। एच क्लास में क्या है, एच क्लास एएलपी के लिए और लोको पायलट के लिए सबसे खतरनाक, मतलब नौकरी में सबसे ज़्यादा खतरा अगर किसी में है तो वो है एच क्लास एक्सीडेंट। ऐसा क्या है इसमें, ये है स्पार्ट, SPAAD, सिग्नल पास्ट एट डेंजर, मतलब ऑन पोजीशन में सिग्नल को पार किया है, सिग्नल को पार किया है, चाहे वो तुम्हारी किसी की भी गलती हो। ट्रेन कौन चला रहा है, लोको पायलट ALP, तो इनकी नौकरी को खतरा रहता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक नई चीज़ जोड़ी है, किसी एक्सीडेंट में एक से अधिक क्लास हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, मान लीजिए कोई किसी के टक्कर हुई, भिड़ंत हुई, ठीक है, वहाँ पर कॉलिजन हुआ, ये यहाँ भिड़ंत से क्या हुआ, एक गाड़ी में आग लग गई, तो ये कॉलिजन अलग क्लास में आता है और फायर अलग क्लास में आता है, ये ए क्लास में आता है, ये बी क्लास में आता है, तो हो इतना एक टक्कर तो एक ही हुई है उसमें, लेकिन क्लास अलग अलग हो गई हैं, तो इस तरह से भी हो सकता है। तो अगला है इक्विपमेंट फेलियर, उपकरण फेल हो गए हैं, उपकरणों का विफल हो जाना एक दुर्घटना कहलाती है, ये बात भी आपको समझनी चाहिए। तो इसको हमने बांट दिया है जे क्लास में, के क्लास में, LM, तो जे क्लास में देखते हैं क्या आएगा, ये आएगा फेलियर ऑफ लोकोमोटिव रोलिंग स्टॉक। इसमें क्या हो सकता है, इंजन फेल हो सकता है, रोलिंग स्टॉक बताया था ना, रोलिंग स्टॉक जिसमें चक्का लगा होता है मूव करने वाला, तो इंजन फेल हो सकता है, डिब्बा हो सकता है, बैगन हो सकता है, कोई ब्रेकमैन हो सकता है, या ट्रेन अलग हो सकती है, ट्रेन पार्टिंग भी इसी में आ जाएगा। के क्लास में क्या आएगा, के क्लास में आएगा परमानेंट ब्रेक फेल होना। परमानेंट में क्या है, पटरी, स्लीपर और बैलेस्ट, अगर इन वहाँ पर कोई दिक्कत है, वहाँ अगर विफल हो जाते हैं तो वो क्या कहलाएगा, के क्लास एक्सीडेंट कहलाएगा। अगला है एल क्लास, इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक उपकरण जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं, कैसे, जैसे कि तार कहीं गिर गया है, OHE कहीं गड़बड़ कर रहा है, तो वो भी एक एक्सीडेंट माना जाएगा। या फिर 3 मिनट तक वायर में लाइट ना आए, करंट ना आए, जिसे हम बोलते हैं नो टेंशन, तो वो भी एक एक्सीडेंट माना जाएगा। कौन सा एक्सीडेंट माना जाएगा, एल क्लास का एक्सीडेंट माना जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं एम क्लास एक्सीडेंट, एम क्लास में किसका फेलियर होगा, सिग्नल और टेलीकॉम, सिग्नल फेल हो सकते हैं और टेलीकॉम मतलब जो सूचना है, क्या कहते हैं, संचार व्यवस्था है, वो फेल हो जाती है, तो ये भी क्या है, एक एक्सीडेंट माना जाएगा। सिग्नल खराब हो गया या फिर एक पैनल बोर्ड, पैनल बोर्ड से सिग्नल जुड़े होते हैं, वो फेल हो गया, टी सर्किट या फिर सिग्नल, या फिर पॉइंट का फेलियर होना, फेसिंग पॉइंट, ट्रेलिंग पॉइंट का फेल होना, या फिर संचार बाधित हो गई है, संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन फेल हो गया है, तो ये एम क्लास में, एम क्लास एक्सीडेंट में आएगा। पांचवा आता है अनयूजुअल एक्सीडेंट, असाधारण घटनाएं,
तो इसमें क्या होगा, अनयूजुअल एक्सीडेंट, असाधारण घटनाएं। इसमें क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर, जैसे हम बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित अगर कोई घटना है या फिर कोई केस है, लेकिन यह ट्रेन एक्सीडेंट का रिजल्ट नहीं है। अनयूजुअल एक्सीडेंट क्या मानते हैं, जिसमें एक ऐसा इंसिडेंट जिसमें ट्रेन एक्सीडेंट का परिणाम नहीं है। फिर कैसा परिणाम है, इसको हमने बांट दिया है क्लास में, देखते हैं क्या हो सकते हैं। एन क्लास को दिया है, इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले है ट्रेन रिकिंग, WRICIKING, ट्रेन के मूवमेंट के साथ छेड़छाड़ करना। अगर ट्रेन, अच्छा मूवमेंट किस पर करती है, पटरी पर, मतलब पटरी को या फिर रेल को छेड़छाड़ करना, कहीं पे से ब्लास्ट करना, तो वो क्या मानी जाएगी, एन क्लास एक्सीडेंट माना जाएगा। या फिर ऐसी कोशिश करना, ठीक है, तो ये भी सी क्लास में माना जाएगा। पी क्लास एक्सीडेंट, कैजुअलिटी मतलब हताहतों की संख्या, कैसे, गेट पर कोई ट्रेन चल रही है, गेट पर बैठा है, वो गिर गया, अब वो तो गिर गया या फिर लग सकती है उसे, या मर गया वो। तो जब ऐसी कोई घटना होती है, या फिर कोई ट्रैक पर बैठा था, ट्रेन आई, वो कट गया या फिर मर गया, तो ऐसी घटनाएं जिसमें रेल की तो कोई गलती है नहीं, तो ये हो जाती हैं हताहतों की संख्या, मतलब कैजुअलिटी, पी क्लास घटना। क्यू क्लास में क्या आएगा, इसमें आएगा अदर इंसिडेंट, कौन कौन से आएंगे अदर इंसिडेंट, जैसे डिब्बा या फिर ट्रेन, इसमें अगर मर्डर हो जाए या फिर कोई सुसाइड कर ले, इसमें ट्रेन में या फिर डिब्बा में, किसी में भी सुसाइड कर ले, या फिर जो स्टेशन एरिया होता है उसमें चोरी हो जाए, या फिर स्टेशन एरिया में कोई मर्डर या सुसाइड कर ले, ठीक है, तो वो क्या होगा, क्यू क्लास एक्सीडेंट माना जाएगा। या फिर फायर लग जाए या कहीं विस्फोट हो जाए, अब फायर तो हमने देखा था, लेकिन फायर बी क्लास होता है, लेकिन यहाँ क्या है, फायर तो लग रही है लेकिन ट्रेन में नहीं, एरिया में लग रही है, रेलवे एरिया में लग रही है, ट्रेन में लगती है तो फिर वो बी क्लास का हो जाएगा, लेकिन ये क्या है, रेलवे एरिया में लग रहा है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, क्यू क्लास। या फिर ऐसे कोई आंदोलन होते हैं, जैसे रेल रोको आंदोलन, कई सुने होंगे, उस तरह की घटनाएं क्या कहलाती हैं, क्यू क्लास एक्सीडेंट में आएंगी, अनयूजुअल असाधारण घटनाएं। एक लास्ट आती है मिस्किनियस इंसिडेंट, या फिर वाहन, कोई वाहन है या फिर वाहनों का छूट कर चला जाना, कहीं गाड़ी खड़ी है, उसने इंजन हटा दिया, ये गाड़ी पीछे भाग गई, इस तरह की घटना क्या होंगी। या फिर ट्रैक पर कोई पशु, पशु में क्या कर सकते हैं, हाथी आ सकते हैं, भैंस आ सकती हैं, घोड़ा आ सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ अगर ट्रैक पे आ जाती हैं और ट्रैक को बाधित करती हैं, या फिर ये किसी प्रकार से कट सकती हैं, मर सकते हैं, ये घटना सब कहाँ आएंगी, आर क्लास में, ठीक है। बस तो अब हम देखते हैं कि आगे, अब एक्सीडेंट हो चुका है, वहाँ कोई घटना घट चुकी है, तो अब क्या होगा, तो वहाँ आएगी अब एक ट्रेन, एक ऐसी ट्रेन जो लोगों को राहत दिलाने का काम करेगी, अगर लोगों को मेडिकल की ज़रूरत है तो उनके लिए हेल्प करेगी, ठीक है। तो इस तरह की ट्रेन अब आएंगी, क्योंकि घटना हो चुकी है, तो इस तरह की ट्रेन देखिए, सबसे पहले है ARME, एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट, मतलब इसमें होता क्या है, तो इसमें क्या होता है, एक्सीडेंट रिलीफ, एक्सीडेंट से सहायता के लिए जो मेडिकल उपकरण होते हैं वो इसमें प्रोवाइड करे जाते हैं। तो इनको दो तरह से बांट सकते हैं हम, स्किल फर्स्ट, स्किल सेकंड। स्किल फर्स्ट में क्या होता है, इसमें एक ट्रेन होती है, पूरी ट्रेन होती है, जिसमें ARM होता है ऑलरेडी रखा होता है, मतलब हम कह सकते हैं ART, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन के साथ मेडिकल, मतलब ARME को रखा जाता है। नॉर्मली ये बड़े बड़े स्टेशनों पर होते हैं, बहुत बड़े बड़े स्टेशनों पर, ठीक है। और स्किल सेकंड में क्या है, जहाँ पर हमें पूरी ट्रेन नहीं प्रोवाइड करा सकते कोई, तो हम क्या करते हैं, एक बॉक्स लेते हैं, एक बड़ा बॉक्स, जिसमें ये किट पूरी सुविधा देते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट इसमें रख देते हैं, जहाँ स्किल फर्स्ट नहीं होता वहाँ स्किल सेकंड रख दिया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है,
अगर स्टेशन के पास कोई घटना हुई है तो स्टेशन मास्टर के पास एक क्या होता है, फर्स्ट एड बॉक्स होता है। अगर कोई घटना ट्रेन वो बीच में हुई है, ब्लॉक सेक्शन में हुई है, तो गार्ड क्या करेगा, जैसे हम कोचिंग ट्रेन मतलब जो मालगाड़ी है उसमें तो जरूरत नहीं पड़ेगी फर्स्ट एड की, क्योंकि तो उसमें यात्री नहीं है, तो यात्री मिलेंगे कोचिंग ट्रेन में। तो कोचिंग ट्रेन के जो गार्ड होते हैं उनके पास भी एक फर्स्ट एड बॉक्स होता है। ठीक है, तो देखिए अब आता है पोम का, पोर्टेबल, पीओ का मतलब पोर्टेबल, यहाँ मेडिकल किट फॉर एक्सीडेंट, ये पोमका के फुल फॉर्म आपको याद रख लेनी है। ये रेलवे के प्रत्येक डॉक्टर को दिया जाता है, ईच रेलवे डॉक्टर प्रोवाइड टू एवरी रेलवे डॉक्टर पोमका। क्या है फुल फॉर्म, पोर्टेबल मेडिसिन किट फॉर एक्सीडेंट। ठीक है, अब ये आती है SPAREV, ARME, ये क्या चीज़ है, ये ट्रेन है ना एक, ये अभी अभी देखा, ये एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट, इसमें ये क्या जोड़ दिया, SP का मतलब होता है सेल्फ प्रोपेल्ड। ठीक है, जैसे कि खुद को मान लो, आप खुद को मान लीजिए, आप खुद चल सकते हो आगे बढ़ा, ऐसा तो नहीं कि आपके में कोई अलग से कोई इंजन लगाया जाए कि कोई धक्का लगाने वाला आए तो आप खुद चल सकते हो। इसी प्रकार से एक ऐसी ट्रेन जो खुद चल सके, इसमें इंजन लगाने की जरूरत ना पड़े, तो इस तरह से बोलते हैं सेल्फ प्रोपेल्ड। ये ARME के प्रॉब्लम ये सेम एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट। अब आते हैं आर्ट, जहां पर क्या होता है, मालगाड़ी अगर कहीं एक्सीडेंट हुआ है तो वहां इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ARME की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर पड़ेगी हम आर्ट की, कैसे, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, या फिर इसे बोल सकते हैं BD, ब्रेक डाउन स्पेशल। ठीक है, क्योंकि डिब्बा एक दूसरे पर चढ़ चुके हैं तो वहाँ पे हमें क्रेन की जरूरत पड़ सकती है, इसमें एक क्रेन हो सकती है एक्सीडेंट को रिलीफ देने के लिए, इसमें क्रेन हो सकती है और भी उपकरण हो सकते हैं, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो अब देखते हैं हम स्पीड क्या हो सकती है इनकी, मैक्सिमम परमिसिव स्पीड किसकी, ARME प्लस SPARME, नॉर्मली 105 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। आर्ट जब मालगाड़ी है, मालगाड़ी के लिए कोई गाड़ी भेजी जा रही है, तो इसकी स्पीड होगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। और जहाँ पर क्रेन भी है साथ, ये वाली 120 टन की अगर डीजल BD क्रेन भी अगर साथ जा रही है, तो उसकी चाल होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर कहीं एक्सीडेंट हो चुका है तो सबसे पहले जो लोको पायलट या फिर ALP या फिर गार्ड स्टेशन मास्टर को सूचना देंगे। अब सूचना जैसे ही स्टेशन मास्टर को सूचना मिलेगी तो क्या होगा, तो स्टेशन मास्टर अच्छा ये बताएंगे कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है इतने, या फिर हमारी गाड़ी मालगाड़ी है या फिर पैसेंजर गाड़ी है, तो उसी हिसाब से ये रिलीफ के लिए ट्रेन भेजेंगे। और रिलीफ गाड़ी तैयार ऐसा तो नहीं खड़ी होंगी, तो वहाँ तैयार करनी पड़ती हैं, तो वही चीज़ है कि अगर ARME एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट अगर निकालने का समय, इसको अगर निकालना है तो क्या करेंगे, अगर एक गेट है निकलने के लिए, सिर्फ एक गेट है, तो वहाँ पर 25 मिनट दी जाती हैं आपको निकलने के लिए, और वहीं पर अगर डबल गेट है, डबल एक्सिट है, तो वहीं आपको 15 मिनट दी जाती हैं, मतलब अगर दो रास्ता हैं। ठीक है, वैसे भी दो रास्ता होंगे तो ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी, इसलिए कम समय दिया जाता है। अगर वहीं ART दी जाए, ART या फिर BD, ठीक है, ब्रेक डाउन स्पेशल जो क्रेन होती है, इसमें निकालने का समय नहीं होता, इसमें तैयार किया जाता है एट दिन के समय 30 मिनट में, और रात के समय 45 मिनट में, क्योंकि रात के समय थोड़ा अंधेरा से होता है, टाइम लग सकता है। मैंने बताया था अगर एक्सीडेंट मालगाड़ी का गुड्स का हुआ है तो ART भेजेंगे, अगर एक्सीडेंट पैसेंजर ट्रेन का हुआ तो ART विद ARME भेज देंगे। ठीक है, इस तरह से हमने बताया, जैसे ही स्टेशन मास्टर को एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हो गई, उस स्टेशन मास्टर में ARME और आर्ट ये ट्रेन को तैयार करने के लिए हूटर बजाया जाता है। अब ये हूटर क्या है, हूटर क्या है ये देखना, आपने देखा होगा इस तरह से एक प्रकार की ये सायरन होता है हूटर,
तो देखिए, अगर हमें मालगाड़ी के लिए क्या है आर्ट, इस ट्रेन को निकालना है, तो इसके लिए हमें हूटर फॉर आर्ट 3 हूटर लगाने होंगे 60 सेकंड, एक एक सेकंड के, मतलब 60 60 सेकंड के। कितने लगाने होंगे? 3। गैप कितना होगा? एक एक लगा दिया, मैं लगातार 60 मिनट तक, वो 60 सेकंड तक बजा दिया, फिर यहाँ पर गैप होगा 10 सेकंड का, फिर बजाएंगे 60 सेकंड तक, फिर 10 सेकंड का, कितने बजाएंगे? 3। इस तरह से जब गाड़ी एआरएमिंग निकालनी है तो बजाएंगे 5 हूटर, सेम कंडीशन, 60 सेकंड के लिए 10 सेकंड का गैप। अगर हूटर खराब है तो क्या होगा? वहाँ स्टेशन में इंजन रखा होगा, बड़ा स्टेशन है, सीधी सी बात है, तो वहाँ इंजन रखा होंगे, इंजन से 5 सीटी बजाएंगे सेम कंडीशन 60 सेकंड तक, और गैप कितना रहेगा? 10 सेकंड का। और आखिरी में ये बताना चाहूँगा कि जैसे ही एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट के बाद जो 1 घंटा होता है उसे बोलते हैं गोल्डन आवर। अगर गोल्डन आवर में किसी की अगर जान बचा ली जाए तो बचाई जा सकती है, इसे बोलते हैं गोल्डन आवर। इसी के साथ धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि बहुत कुछ सीखने को मिला, कुछ भी सीखने को मिला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बने रहिए। थैंक यू।